श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा, सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सभापति महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमोनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहां इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर 5000 के नोट है, इंडोनेशिया में तो 1,00,000 रुपये तक के भी नोट है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा दे रही है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए साल दो साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in and be up to date with the latest news.